समय के बाद आप लोगों के साथ आ रहा हूँ, और ऐसे में मैं आईबी का पेपर सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो आईबी का पेपर वो आज 17th ऑफ फेब को। ओके, सो क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था और इंग्लिश का आंसर क्या क्या होना था। तो मैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ 61 से। तो 61 में भाई ऑफ आना था, ठीक है, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ऑफ ह्यूमन एग्जिबिशन, मतलब ये जितने भी पेन और प्लेजर है आर इनसेपरेबल किसके, ह्यूमंस के। तो का यूज हो रहा था वहां पे, तो ऑफ का यूज आएगा वहां पे। 62 में ए आएगा, और 63 में गाइस द आएगा, क्योंकि यहाँ पे द इसलिए आएगा क्योंकि ऑल आने से तो बुक्स, मैनी बुक्स भी नहीं आएगा, हार्डली, मतलब मुश्किल से उसने जो बुक दी थी वो भी नहीं पढ़ी उसने, तो कहने का मतलब यहाँ पे था, तो यहाँ पे द का यूज होगा। 64 की बात करूँ तो लिटिल आएगा, लिटिल केयर के साथ उसने चलाया और पुलिस ने उसका चालान काट दिया, ठीक है ना। 65 के बारे में बात करूँ तो इंडियाज आएगा, क्योंकि इंडिया का कल्चर के बारे में बात करें तो जब एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो तब आपके का यूज होता है, ठीक है ना। आई हैव बीन टू, ठीक है, किसके गया, डॉक्टर के पास गया। आई हैव बीन टू द डॉक्टर, द आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट है किस डॉक्टर के पास गया, जिसका उसने न्यूज़पेपर में एड देखा था, बिल्कुल भाई वो जानता था उस डॉक्टर को, तो समझ गया मतलब पूरा था, तो डेफिनेट आएगा। तो 66 में द आएगा, ठीक है ना, 67 में, सॉरी 66 में, ओके, हाँ 66 तो इंडिया वाला था, ये 66 में था गाइस, मैं कुछ छोड़ चुका हूँ शायद। और 65 में ये लिटिल वाला था, 64, ओके, 64 का क्वेश्चन है, 64 में है, एक्सपीरियंस आएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड नहीं आएगा ना, एक्सपीरियंसिंग आएगा, एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक्सपीरियंस ऑफ पेन इज रियल एंड अफेक्ट द की जो एक्सपीरियंस होता है वो करता है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपीरियंस बी आएगा, 66 का द आएगा, सॉरी 67 का, दिस इज द 67 एंड दिस इज द 66, दिस इज द 65 एंड दिस इज द 64, ओके। अब बात करते हैं 69 की, दैट हम प्लान कर रहे हैं कि हम कल जाएंगे, तो 59 में प्लानिंग आएगा, आप लोगों को पता ही है कि कौन सा टेंस चल रहा है। 70 बारे बात करते हैं, बाय नाउ, बाय नाउ से मुझे पता चला कि ट्रेन अब तक तो वहां पहुंच चुकी होगी, वो अजम्पशन कर रहा है होगी, तब होगी क्या, कहा चुकी होगी, हो गया ना, तो हैज आएगा, द ट्रेन हैज मस्ट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आना था 70 का आना था यहाँ पे गाइज, ए, ठीक है ना, 70 का ए आएगा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और ओके गाइस, और क्वेश्चन पूछे गए थे 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक यहाँ पे पूछे गए थे एरर, कि इनमें कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन था वो था मिसचीफ, ही गलत था, मिसचीफ, यहाँ पे मिस चीफ ई आई एफ दे रखा था जो कि गलत है, मिस चीफ की स्पेलिंग होती है MSHICHIEF, ठीक है ना, मिस चीफ थी, ये सही थी तो ये गलत थी। तो 71 का ए ऑप्शन भाई होना था, इसमें मिस स्पेल्ड पूछा था, फैमिलियर, फैमिलियर से पूछा था, ठीक है ना, फैमिलियर था आपका, और सिन था, हैमर था और ग्रामर था, तो जो इसमें ऑप्शन था वो ग्रामर गलत था, क्योंकि ग्रामर की स्पेलिंग जो होती है GRAMMAR होती है, ठीक है ना भाई, ग्रामर, तो ऑप्शन जो है वो डी था, इसका गलत था, ठीक है ना, फोकल, वोकल, वैकल, VACHIEL, वैकल होता है गाइज, ये ऑप्शन गलत था, ठीक है ना, वैकल, वैकल, वी ए आना था यहाँ पे, वी था यहाँ पे देखा, ये गलत था, तो इसका ऑप्शन सी जो आपका 73 था। और 74 में, 74 में बी ऑप्शन डेंटिस्ट की स्पेलिंग गलत दे रही थी, और 75 में वेलकनो की स्पेलिंग गलत दे रही थी, ठीक है ना भाई। तो 75 का ए और 74 का बी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो क्या क्या उसमें आपके वो आए थे, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड इज थेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, थेस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसमें थेस्ट आना था। ऑप्शन बी 77 का ऑटोबायोग्राफी है, जो खुद लिखता है अपनी बायोग्राफी से ऑटोबायोग्राफी बोल देते हैं, ठीक है ना। और जो सी है गाइस वो आना था, नंबर ऑफ द शिप, उसे हम फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट, ठीक है ना, जो फ्लीट में चलते हैं, ठीक है। और यंग काउ, यंग काउ जो 80 का जो आना था वो आना था काल्फ, उसे हम काल्फ बोलते हैं जो नए होते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा रीजनिंग में अगर हम बात करें, किसकी बात में, रीजनिंग के बारे में बात करें अगर हम, तो रीजनिंग में 81 से लेकर 85 तक आपके क्या करना था, ऑड वन आउट चूज करने थे। तो भाई देखो, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये सब क्या थी, आपकी रेंजेस थी, और जो आपकी डल लेक थी वो झील थी, डल लेक, डल लेक की आपकी झील,
ठीक है ना। तो 81 से 85 का पहला जो आपका ऑरो नाव था वो डी था। फिर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। गाइज अब एक तो दो चीजें हो सकती हैं कि जो ब्रह्मपुत्र होती है वो बाहर से आपकी आती है इंडिया में, बाद में आती है, बाकी जो गंगा यमुना तीन है वो अपने ही देश में रहती हैं। तो इसका आंसर आप सी भी मार सकते थे। क्या मार सकते थे? सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और अगर आप ये सुनना चाहोगे कि जो हाँ ब्रह्मपुत्र रहती है वो क्या करती है, तीनों नदियां ऊपर रहती हैं, कावेरी साउथ में रहती है, इस तरह से भी सोच सकते थे। तो कावेरी तो अलग आती है, लेकिन इसका आंसर आप क्या मार सकते थे, ब्रह्मपुत्र मार सकते थे। ठीक है ना। अब 83 के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है अमीमीटर, थर्मोमीटर और बैरोमीटर और टेम्परेचर। तो अमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर ये नापने के क्या है, आपके डिवाइस है, लेकिन जो आपके क्या टेम्परेचर हो, तो तापमान है, वो कुछ नापना नहीं है, उसी को तो हम वो करते हैं। तो 84 का जो आपका वो 83, तो 83 का आपका डी आना था, आपका थर्मोमीटर टेम्परेचर नहीं आएगा। अब बात करते हैं 84 की। भाई आप देख सकते हैं मैंगो, एप्पल और ब्लैकबेरी। मैंगो, एप्पल, ब्लैकबेरी फ्रूट में कंसीडर करते हैं, लेकिन पटेटो आपका फ्रूट में कंसीडर नहीं होता है। तो आप सी को क्या कर सकते थे, नेगलेक्ट कर सकते थे, आलू को। ठीक है ना। अब बात करते हैं 85 की। आइजोल, ईटानगर, त्रिपुरा और शिलोंग। ये आइजोल, ईटानगर, त्रिपुरा ये सब क्या है आपके भाई? आइजोल क्या है, आइजोल अगर मैं देखूँ ना तो आइजोल क्या आपकी कैपिटल है। ठीक है ना। ईटानगर भी क्या आपकी कैपिटल है आपकी। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आइजोल, ईटानगर, शिलोंग क्या कैपिटल है आपकी, मतलब राजधानी है, लेकिन जो त्रिपुरा है वो आपकी राजधानी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, सी। तो 85 का आंसर आपका सी था, ये ऑड वन आउट में आपसे कंसीडर कर सकते थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्या क्या रखा था, ओके, कॉपर, मेटल, तांबा, ये पूछा था कि आपको वो करना था। तो इसमें जो इजी इजी है वो मैंने ही करा देता हूँ, बाकी जो कुछ जो सोचने वाले थे वो बता देता हूँ मैं आपको। गाइस जैसे यहाँ पे देखिए यूरेनियम आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में आता है, 89th का क्वेश्चन। ठीक है ना। उसी तरह जो कोल होता है वो थर्मल पावर प्लांट में आता है, कौन सा, किसका, सी। तो 89 का जो रिलेशन था वो सी आना था। ठीक है ना। और 90 थोड़ा सा टफ था। डच, देखो डच, देखो यहाँ पे हिलकर, हेलीकर आपका काउ दे रखा है, तो यहाँ पे डच हुंड आना था। डच हुंड का दैट इज डॉग, ये एक प्रजाति होती है कुत्ते की। ठीक है ना। ओके, रेंजिंग में 91 क्वेश्चन अगर हम देखें, 91 क्वेश्चन देखें तो 91 क्वेश्चन में 7, 8, 9, 10 ये आप आराम से कर सकते थे, ए बी सी डी वाला भी कर सकते थे। 93 बता देता हूँ, 93 में क्या करना है, 93 में बोला है 7 दिन पहले, देखिए 7 दिन से तीन, मतलब 7वें मंथ से 3 दिन पहले, इफ द 7th मंथ इज 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे। फ्राइडे से मतलब जो ये 7वां दिन है वो फ्राइडे से 3 दिन पहले आता है, तो 3 दिन पहले आता है, दैट इज ट्यूजडे। ये 7वें को दिन ट्यूजडे आता है, फिर 14 को भी ट्यूज जाएगा और 21 को भी ट्यूज जाएगा। अगर 21 को ट्यूज जा रहे हैं तो आपका 20 को क्या आएगा, मंडे, और 19 को आ जाएगा संडे। तो 19 को यही पूछा था कि 19 को कौन सा दिन होगा, तो संडे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना गाइस। उसी तरह 95 में आपको करा चुका हूँ। और यहाँ पे 96 से लेकर 900 तक क्या क्या आपके स्टेट्स और स्टेट्स वाले क्वेश्चन थे, क्या थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे गाइस, जिसमें हम क्या करते हैं कि लॉजिकली सही हो सकता है या नहीं हो सकता हमको चेक करना होता है। ठीक है ना। तो 96 अगर क्वेश्चन बात करूँ मैं, 96 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मैंने मुझे लगा, क्योंकि देखो इसमें एकदम बोला है कि एक 200 रन में से है ना कितने 160 रन मारे स्पिनर्स ने, तो स्पिनर से रन मारे, तो क्या पता इस शुरू के जो स्पिनर ना हो, बॉलिंग ना डालते हो, बाकी जो स्पिनर्स हो, तो इस तरह से लॉजिकली करेक्ट था। तो यहाँ पे 80% वाला सही था कि 80% जो स्पिनर से रन मारे हैं, तो जो ओनली वन कंक्लूजन दैट इज ए, ए इसका ट्रू हो सकता था, बी तो बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता कि ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, है ना, ये आपका लॉजिकली ट्रू नहीं हो सकता, हो भी सकते थे नहीं भी हो सकते थे, लेकिन ये श्योर था कि 80% तो स्पिनर हो सकते हैं। ठीक है ना। ओके, 97 का, 97 का क्या है कि द चेंज इज द नेचर ऑफ द डिमांड, बिल्कुल चेंज समय के डिमांड है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा गाइस, इसका भी ए ही है कि ओनली वन कंक्लूजन जो आपका 97 था। ठीक है ना। ओके, अगर 98 के बारे में बात करें तो 98 का बोथ कंक्लूजन हो सकता था, दैट इज डी, क्योंकि जो से जिस तेजी से उसने अपने आप को सेल्फ सफिशियंट बना दिया, उस तरह से तेजी से वो क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है ना गाइस। ओके, और 99 का जो है वो है आपका सेकंड, मतलब दूसरा कंक्लूजन, सिर्फ बी फॉलो करेगा, और 100 का जो है वो आ जाएगा डी, क्योंकि दोनों फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन था आईबी का। अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो ढंग से आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको
रिस्पॉन्स एज सून जैसा भी होगा, रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी करेंगे और आपकी क्वेरी का भी समाधान करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.